नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया है कि आज इंदिरा गांधी की जयंती है और उनकी जयंती जिले से लेकर देश विदेश में भी मनाई जा रही है। इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी थी और जब उनको गोली लगी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में हम सभी गोरखपुर के कांग्रेस जन, हम सबकी प्रणेता भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के पटल पर भारत का डंका बजाने वाली आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जनों ने उनका माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्होंने जिस तरह से इस देश को पूरे अपने राजनीतिक कौशल से, अपने दृढ़ता से और अपने कुशल संचालन से इस देश को हमेशा उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर किया, उनके आदर्शों पर, उनके बताए रास्तों पर चलने का हम सभी कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है और इंदिरा गांधी अमर रहे का नारा लगाते हुए हम लोग उनको नमन करते हुए हम सभी कांग्रेस जन फिर से एक बार इस देश में कांग्रेस की सत्ता स्थापित करने का संकल्प लेकर के और देश को उन्नति और विकास। देखिए, आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है और आज देश, यहाँ जिले में ही नहीं पूरे देश भर में, विश्व भर में आदरणीय इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी थी। उन्होंने उनको जब गोली लगा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। ऐसी साहसी और ऐसी निर्भीक हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी की आज जयंती है और वो निडर और साहसी महिला थी। उन्होंने भारत देश के लिए बहुत सारे ऐसे सराहनीय काम किए। आज उनके हर कार्यों को, अपने हर युवाओं को, नदी हत्याकांड में आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने और सुफियान को 3 दिन के अंदर पकड़कर जेल भेजने को लेकर यूपी डीजीपी का धन्यवाद देने अग्रहरी समाज के लोग पहुंचे हैं। अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय संरक्षक राजेश अग्रहर ने डीजीपी को ज्ञापन देकर मांग की है कि अपराधी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द चलाया जाए, इससे कि अपराधी को फांसी की सजा हो पाए तो वहीं पीड़ित परिवार के किसी शख्स को नौकरी मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि निधि अग्रहरी 19 साल की लड़की थी, गरीब माँ बाप की बेटी थी, आर्थिक तंगी थी, उसी का नाजायज फायदा उठाते हुए उस लड़के ने 4 मंजिला मकान से उसको नीचे फेंक दिया, जो इलाज कराने ले जाने पर वो मृत पाई गई। और ऐसी दर्दनाक मृत्यु पे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष अग्रहरी, प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद अग्रहरी और उनके साथ देश और प्रदेश के सामाजिक पूरी टीम, उन्होंने मुझे भी अवगत कर। और उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद के दनकौर चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ प्रदर्शन किया है और अधिकारियों ने मौके पर न पहुंचने पर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी अखिलेश कुमार त्रिपाठी को राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंप दिया है। माननीय श्रीमती राष्ट्रपति महोदय को जिला में अधिकारी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कि श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए हम ये ज्ञापन देंगे और आफ्ताब को फांसी की सजा हो, इसके लिए हम सभी एकत्र हुए हैं और यहाँ चाहते हैं कि इसकी NRI जांच हो। खबर बुलंदशहर से है, जहां यूपी के बुलंदशहर में सियाना मार्ग पर चिगरावटी चौक के पास ट्रक के स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी गई। इस दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला की उम्र 27 साल थी। उसका नाम राधा चौधरी है, जो कि स्कूटी पर सवार होकर सियाना से अपने गाँव खाद मोहन नगर जा रही थी। इस दौरान ट्रक ने पीछे से इस महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई है।
और लखनऊ से खबर है जहां सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बाद अब उनके बेटे अनुराग प्रजापति पर आशियाना थाने में 13 नवंबर 2022 को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल मामला बकाया सैलरी और घर में घुसकर धमकाने का है। बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख की फिरौती से जुड़ा मामला है और साथ ही साथ पीड़ित अभिषेक यादव का यह भी गंभीर आरोप सामने आया कि अनुराग प्रजापति और उनके गुर्गे उसके घर पर आ गए और करीब 50 लाख की फिरौती मांगी गई। साथ ही उसकी मां ने कहा है कि अगर नहीं दोगे तो बेटे को दर्दनाक मौत दी जाएगी। लखनऊ का निवासी हूं, मानस विहार में रहता हूं और एनी टाइम फिटनेस में मैं MD था और जिनके ऊपर कार्रवाई मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री से निवेदन करने आया था अपने एप्लीकेशन देने। तो मामला ये है कि मैं एनी टाइम फिटनेस में बतौर MD काम करता था। जब काफ़ी बकाया हो जाने पर अपनी सैलरी का और जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मांगने पर मुझे काफ़ी धमकियाँ मिल रही थी उनकी तरफ से और मुझे सताया जा रहा था। घर परिवार पे आके मुझे आए दिन धमकाया जाता था, अभी भी मुझे धमकाया जा रहा है। और रायबरेली की ओर रुख करेंगे जहां आपको बता दें कि 35 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई है। दरअसल सुबह ये युवक मछली पकड़ने गया था और इसी वक्त मृतक युवक की पहचान हंसराज के बेटे राम हरिद्वार निवासी कोटवा मदनिया थाना महाराजगंज के रूप में हुई है। बताते चलें आपको कि युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरे भैया, हम तो मदनिया एक मीटिंग के चक्कर मदनिया गए थे बैठक की, तो वापस गांव पहुंचे तो लोगों ने बताया कि नैया में गिलास पड़ी है। सुबह देखा तो उसके हाथ दिख रहे थे, उसके बाद कुछ देर बाद पता चला कि कोटवा का हंसराज है उसके, तो बताया कि यहाँ के लोग गए वहां से निकाले कल करीब होगी 45-50। और हमीरपुर की ओर रुख करेंगे, बता दें कि तालाब में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव मिलने की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ ये युवक मृत पाया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के जनपद शाहजहांपुर से है जहां पर ब्लॉक सिंधौली के गांव पसीगढ़पुर में, बता दें आपको कि गांव अब भी विकास से कोसों दूर है। शायद इसी वजह से यहां के लोग अभी भी लकड़ी के पुल को पार कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन किया जा रहा है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर ये पुल है लेकिन ये पुल लकड़ी का है और ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। कई ये लोग हैं जो देखे जा रहे हैं जो इस लकड़ी के पुल से रोजाना आवागमन करते हैं। अगर बन जाए सब पूरा गांव तीर पड़ोस सब आराम हो जाए पूरे क्षेत्र का। इस रास्ते है आपको पाए जाने में कितनी आराम होती है? बहुत आराम हो जाएगी अगर पुल बन जाए तो। अब ऐसे 40-50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है पुआ। रायबरेली में साइबर ठगों ने प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार कृषि विपणन और उद्यान विभाग के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बहू अस्मिता सिंह के खाते से करीब 30,000 रुपए उड़ा दिए। बताया जा रहा है कि साइबर ठगों ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बहू के मोबाइल पर एक QR कोड भेजा और जैसे ही QR कोड स्कैन किया वैसे ही खाते से बार में करीब 15,000 कट गए। हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बहू अस्मिता सिंह ने जब दोबारा फोन करके जानकारी करनी चाही तो फोन उठाने वाले व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी है। तो वहीं अब इस मामले में शहर कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। रायबरेली में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पर एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का एक आरोप सामने आया है। पिटाई के चलते युवक को गंभीर चोट आई है। युवक को गंभीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामला हरचंदपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। यह मुख्य बाजार में शिवम सिंह गोलू नाम का ये युवक है जो जा रहा था और इसी दौरान पीछे से आए कुछ लोगों ने इस शख्स पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिवम सिंह पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि हमलावरों ने पहले फायर किया और फायर मिस होने पर असले की बट से शिवम सिंह को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया है। घायल अवस्था में शिवम को CSC में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। एक शिवम सिंह नाम के 28 साल के व्यक्ति को CSC हरचंदपुर CSC से रेफर किया गया था जो कि कांस्टेबल होमगार्ड मनोज के नाम से द्वारा लाया गया था। बाकी उसके एग्जामिन करने पे ही पता चला कि उसका दाहिने साइड सर में चोटें लगी हैं, उल्टी हो रही थी उसको,
बाएं पैर में भी चोटें लगा था और दो चार जगह बॉडी में भी चोटें लगी थी। बाकी उसको एग्जामिन करके उसको भर्ती कर दिया गया, हेड इंजरी है उसको, बाकी ट्रीटमेंट चालू है, बाकी पता करने में लगा कोई मारपीट का केस है। और अब खबर फिरोजाबाद से है। बता दें कि खाद विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल खाद विभाग ने नकली रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री पर छापा मार दिया है और सैंपल लिया गया। और वहीं आपको बता दें कि खाद विभाग के अनुसार कुंतलो और रसगुल्ले पाउडर को यहां पर बनाया गया था और साथ ही साथ रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री में गंदगी का अंबार भी पाया गया है। इसी के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। मटामई अकरौली का मामला था और यहाँ पे ये पाया गया कि सौरभ कुमार और नकुल कुमार ये दोनों लोग भाई हैं और वहाँ पे मिठाई का छेना बनाने का कारोबार करते हैं। तो उसमें शिकायत के आधार पे छापेमारी की गई थी और मौके पे वहाँ पे काफ़ी सारा जो है निर्माण वो मिला और अनहाइजीनिक कंडीशन में हो रहा था, जिसमें काफ़ी गंदगी थी और कीड़े पड़े हुए थे उसमें जो इन्होंने किया था, ईटे और ये सारी चीज़ें। तो उस आधार पे जो है उसको रोक दिया गया है इनका उत्पादन और दो नमूने इनके प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन लिया था वो कालातीत हो गया था, तो उससे इनके खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में। और बिजनौर से अब खबर है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी और दो बदमाश घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। हालांकि इस दौरान दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चांदपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा थाना चांदपुर क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक सुशील कुमार के साथ हुई लूट की घटना के परिप्रेक्ष्य में जलीलपुर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास पांडव नगर की तरफ से एक वैगनार कार तेजी से आई और पुलिस का घेरा तोड़ते हुए आगे निकल गई। पुलिस द्वारा संदिग्ध मानते हुए इसका पीछा किया गया। कार आगे जा करके सिमली चौराहे पर एक सीमेंट के बोर्ड से टकरा गई। टकराने के उपरांत उसमें से 4 बदमाश निकले और उनके द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागे। पुलिस और अब रुक करेंगे मथुरा की ओर, जहां पर थाना राया क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर पास ही में एक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के पास ट्रॉली बैग में अज्ञात युवती का शव मिला है। शमेले से इलाके में सनसनी फैल गई तो वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुट गई है पुलिस। और बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड के पास ट्रॉली बैग में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इस महिला की उम्र करीब 25 साल है और एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड के पास काम कर रहे मजदूरों को ये ट्रॉली बैग मिला है। इसकी सूचना मजदूरों ने पुलिस को दी और सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ओम हरि वाजपेयी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल के साथ यहां पर घटनास्थल का मुआयना किया गया है और शव की शिनाख्त की जा रही है। ये थाना राय क्षेत्र में कल रात्रि के समय कई की अन्यत्र हत्या करके एक शव यहां एक ट्रॉली बैग के अंदर फेंका गया है। इसकी सूचना सवेरे यहां काम कर रहे मजदूरों ने दी है और ये शव एक 20-25 साल की युवती का है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये कई शव नेत्र हत्या करके यहाँ फेंका गया है ट्रॉली बैग में साक्ष्य छुपाने के लिए से और संबंध। रायबरेली में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से करोड़ों का माल जलकर राख हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसे बुझाने के लिए कई फायर स्टेशन की गाड़ियां मंगवानी पड़ी हैं। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाते चले। यहाँ पर यह घटना बछरवा थाना इलाके के बछरवा कस्बे से राजामऊ रोड की बताई जा रही है। मौके पर आप हैं, देख ही रहे हैं आग लगी हुई है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले सूचना गई है, यहाँ पर 2:30 बजे के लगभग है बछरवा को सूचना मिली है। तो बछरवा से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है जी। और अग्निशमन कार्य शुरू किया गया है और क्योंकि आग बड़ी थी तो सूचना रायबरेली किया गया। रायबरेली से भी एक गाड़ी भेजी गई तो पता चला कि आग और बड़ी है, तो एक गाड़ी और बुलाई गई फिर रायबरेली से और लालगंज की महाराजगंज की सब गाड़ियाँ बुला। मथुरा में वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए एक शख्स ने खुशी खुशी लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन लुटेरी दुल्हन के कारण उसके नए जीवन की शुरुआत होने से पहले ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। मामला है वृंदावन कोतवाली के गौशाला नगर का,
जहां पर ये दुल्हन शादी के बाद तमाम गहने लेकर फरार हो गई है। 10 तारीख को हमको सीएम मालगोपाल नाम का लड़का दो मेरे पास आया, 6 महीना से हमसे बोल रहा था हमारा माता पिता बूढ़ा है, हम कहीं शादी करा देंगे, 1 लाख रुपया तुम हमको दे देना, हम करा देंगे शादी। तो हमसे 1 लाख रुपया 15 तारीख को शाम 5 बजे हमसे ले लिया। और किसने लिया? बिचौलिया ने? शुभम और गोपाल हमसे लिया। शुभम और गोपाल? ये कौन थे? शुभम और गोपाल काठ मंदिर के बगल में रहते हैं वो लोग जी, वृंदावन नगर के पास जी। क्या हुआ फरार? फिर उसके बाद वो हम लोग को शादी करा दिया, पैसा लेके वो लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद दूसरे दिन लड़की सही रही, वो हमारे घर से हमने कुछ उसको जेवर पहनाई, जेवर पहनाने के बाद वो पूरा जेवर का। अब बुलंदशहर से खबर है, बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अहमदगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 4 डंपर चोरों को इस दौरान गिरफ्तार किया है और अब उनका नेटवर्क खंगालने की कोशिश जारी है। रायबरेली में खाद न मिलने से नाराज हुए किसानों के समर्थकों में कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जगतपुर क्षेत्र में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेसियों ने गोकुलपुर साधन सरकारी समिति पर प्रदर्शन किया। समितियों से डीएपी और यूरिया 1 हफ्ते के भीतर ही डीएपी खाद नहीं पहुंची तो इसको लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई है। नदारद हुए किसान मजबूर, कांग्रेसियों ने कहा है कि किसान विरोधी सरकार है जिसमें किसानों को समय पर खाद भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। यहाँ पर गोकुलपुर साधन सहकारी समिति में क्योंकि किसानों के द्वारा जो है बार बार मांग उठ रही है कि यहाँ पर जो है खाद और बीज जो है कुछ भी नहीं है, इसको देख करके जो है हम जो है कांग्रेस जन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर जो है धरना दे रहे हैं कि जो है यहाँ पर न खाद है न बीज है कुछ भी नहीं है।